दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये मशीन मैंने पहली बार देखी है, बहुत ही विशाल मशीन दोस्तों। इसके टायर देखो दोस्तों, और बहुत मोटी हैं ये। ये लोहे की चादर है, बहुत मोटी है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, आप चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं इसके बारे में आपको पूरी वीडियो दिखाता हूँ दोस्तों। मेरे को नहीं पता ये कौन सी कंपनी की मशीन है, और आपको पता हो तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बता देना। ये हिसार में खड़ी है, और ये देख सकते हो दोस्तों, ये बहुत कम से कम 50-60 साल पुरानी मशीन होगी, और बहुत ही भारी भरकम मशीन है ये। अब तो इस पर जंग लग चुका है, कोई वर्किंग कंडीशन में नहीं है ये। इसके पीछे हल लगे हैं, वो देख सकते हो आप कितने मोटे हैं। ये देखो दोस्तों, ये देखो ये हल, ये मिट्टी को सरकाने के लिए काम में आती होगी पहले। ये देखो दोस्तों, इतने तो मोटे हैं ये लोहे की। और ये देखो आप जो इसकी हलों की मोटाई है, ये मुझे नहीं पता दोस्तों कौन सी कंपनी की मशीन है। इसके ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ मैं। और ये दोस्तों कुछ स्पेनिश या जर्मन, पता नहीं कौन सी फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा है, कुछ शायद फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा है कुछ, इसकी जानकारी दी हुई है, मेरे को तो नहीं आता पढ़ना। और इसके बैठने की सीट होती थी। और ये इसका डीजल टैंक है, बहुत बड़ा डीजल टैंक है। और ये देखो इसके दो गियर नोब हैं, और ये आगे इंजन की कंडीशन देखो आप नीचे जो। ये देखो दोस्तों, 6 सिलेंडर इंजन है इसका। और ये इसके ऊपर UNF लिखा हुआ है। UNF इसका क्या मतलब होता है पता नहीं। और ये देखो इसके रेडिएटर में पानी वगैरह डालने के लिए होता होगा ये शायद कुछ, क्योंकि इसका डीजल टैंक तो पीछे है, सीट के पीछे। और ये देख सकते हो आप इस पे दोस्तों, बिल्कुल ये घास उगी पड़ी है इसके आसपास, ये 20-25 साल से शायद यूज़ ही नहीं हुई होगी। और इसके दूसरे तरफ दिखाता हूँ तो देखो इसके टायर देखो दोस्तों, और ये मोटी मोटी पाइपें देखो दोस्तों। ये इसका हाइड्रोलिक ऑयल का पंप है, वो टैंक है जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल डलता था, इतना बड़ा, कम से कम 20-25 लीटर का तो हाइड्रोलिक ऑयल का टैंक है ये। और इसकी मोटी मोटी पाइपें भी हैं बहुत दोस्तों। ये मशीन पूरी हाइड्रोलिक से चलती थी, क्योंकि इसके आगे भी है जो मिट्टी वगैरह सरकाने के लिए डोजर लगा हुआ, और पीछे जो कल्टीवेटर से लगे हुए हैं। और ये इंजन की कंडीशन देखो आप, पता नहीं ये चालू होगा या नहीं होगा। और ये देख सकते हो आप, ये इसके जो वो थे वो टूट रखे हैं सारे मीटर। और ये इसके गियर है दोस्त, अभी बिल्कुल भी नहीं हिल रहे ये, जड़ लगा हुआ इनके। ये देखो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। और ये देखो दोस्तों, एक ये भी पड़ा है यहाँ पे, ये पलाऊ है, ये ट्रैक्टर के पीछे जो लगने वाला पलाऊ है, ये बहुत भारी पलाऊ है।